ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रामप्रसाद साहू व पंचायत समिति सदस्य श्रीमती लादी देवी साहू की निजी आय से निर्मित देवनारायण मंदिर परिसर उनियारा खुद्र में निर्मित भवन का लोकार्पण माननीय डॉक्टर चंद्रभान जी उपाध्यक्ष 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं समन्वय समिति राजस्थान सरकार के कर कमलों द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्माननीय लक्ष्मण जी गाता ने की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि बतौर केकरी नगर पालिका चेयरमैन कमलेश साहू, मालपुरा नगर पालिका चेयरमैन श्रीमती आसानामा, पूर्व चेयरमैन रामदयाल सुवालका, मालपुरा ब्लॉक अध्यक्ष रामदेव बेरवा, पूर्व जिला परिषद सदस्य महावीर तोगरा, जिला परिषद सदस्य छोगालाल जी गुर्जर, सरपंच लक्ष्मण सिंह उपस्थित रहे। ब्लॉक अध्यक्ष रामप्रसाद साहू ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृति करवाने, उप स्वास्थ्य केंद्र उनियारा खुद्र ANM लगवाने, उप स्वास्थ्य केंद्र सांवरिया में मेल नर्स 2 कंपाउंडर का पद स्वीकृत करवाने, मेगा हाईवे पर स्थित कोटेडी ग्राम के बस स्टैंड पर लोकल बसों का बस स्टॉप करवाने, जयपुर केकरी रोड से देवनारायण मंदिर तक सड़क निर्माण करवाने, उनियारा खुद्र में स्थापित अस्थायी पुलिस को अस्थायी पुलिस चौकी में कमोन्नत करवाने, समर्थन मूल्य खरीद केंद्र पर प्लेटफॉर्म का निर्माण करवाने एवं उनियारा खुद्र से मनोहरपुरा लिंक रोड का निर्माण करवाने, मुख्य तालाब को मॉडल तालाब के रूप में विकसित करवाने की मांग की है डॉक्टर चंद्रभान जी ने, जिनके समाधान का आश्वासन भी दिया है। इस अवसर पर डॉक्टर चंद्रभान ने कहा है कि राज्यसभा सांसद नीरज डांगी से उनियारा खुद्र से विकास के लिए 50 लाख दिलवाने की घोषणा की है। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष रामप्रसाद साहू ने अपनी निजी आय से ग्राम सेवा सहकारी समिति में संचालित समर्थन मूल्य खरीद केंद्र पर पेयजल हेतु वाटर कूलर लगाने की घोषणा की। इस अवसर पर पूर्व DR किशन लाल जी युवा, नेता हंसराज गाता जी, पूर्व पार्षद जरूर भाई, संगठन महासचिव अरविंद सिंगोदिया, प्रवक्ता हनुमान सिंगल, नेता प्रतिपक्ष लव कुश वर्मा, पार्षद लाभचंद अजमेरा, सरपंच सत्यनारायण राव, उपखंड अधिकारी रूबी अंसार जी सहित उपखंड के सभी अधिकारीगण, पार्टी के पार्षदगण, पार्टी के पदाधिकारीगण, अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं ग्रामीण उपस्थित रहे।